हेलो फ्रेंड्स, ये राजस्थान का आरएस का पेपर है 2021 जीके एंड जीएस। पेपर कोड लिख रखा है 01। 150 क्वेश्चन आएंगे इसमें और इसमें 200 अंक का होगा। क्वेश्चन नंबर 1, रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, वे जक्सरापुर खेतड़ी गांव में पली बड़ी। यह इसका गलत होगा, तो इसमें सही नहीं पूछ रहा। पहला ही क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन के साथ शुरुआत हुई है। दूसरा क्वेश्चन, बखना जी, संतदास जी, जगन्नाथ दास और माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दादू। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आरएस का, पूरा पेपर है आरएस का। प्लीज़ इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखें और आगे आगामी आने वाली परीक्षा आरएस अक्टूबर में, तो इसी हिसाब से देखेंगे कि इसी लेवल पर आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में त्यौहार दे रखे हैं और सूची 2 में उत्सव की तिथि तथा माह दे रखा है। ए, बूंदी की खजली तीज। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर एग्जाम में इसको देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर फिर दूसरे में बी में लिख रखा है होली, फिर लिख रखा है पर्युषण पर्व और डी में लिख रखा है गणगौर। तो आप नीचे देख रखा है ना, इसमें आपको मिलाना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ए का आ जाएगा बूंदी की, ए में लिख रखा है बूंदी की खजली तीज। तो ये इसका ये आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, और होली आती है फाल्गुन पूर्णिमा को, पर्युषण पर्व आता है भाद्रपद माह को, और गणगौर आती है चैत्र माह में। इस तरह आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, जिसमें ए में 2, एक में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर चार, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, इसमें नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर का आपको चयन करना होगा। इसमें 4 दे रखे हैं, कौन कौन से जैन धर्म से संबंधित है वो बताना है। तो 4 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 1 और 4 सही है। ए में लिख रखा है अनेकांतवाद और 4 में लिख रखा है स्यादवाद। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? तो आणो दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा नहीं, यह नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 5 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। तो आणो का अर्थ हो जाएगा, आणो क्या है राजस्थान में? तो ये आणो का मतलब हो जाएगा आंसर 3, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 में ए में लिख रखा हावड़ा षड्यंत्र केस, बी में लिख रखा लाहौर षड्यंत्र केस, सी में लिख रखा दिल्ली षड्यंत्र केस और डी में लिख रखा अलीपुर षड्यंत्र केस। सूची 2 को इसके साथ मिलाना है। तो 6 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। तो हावड़ा षड्यंत्र के केस का इसका संबंध है 3A का 3, जतेंद्र नाथ मुखर्जी लाहौर षड्यंत्र केस का संबंध है राजगुरु से, दिल्ली षड्यंत्र केस का संबंध है मास्टर अमीर चंद और डी में अलीपुर षड्यंत्र का संबंध है
अरविंद घोष। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 6 का 3। क्वेश्चन नंबर 7, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। तो इसका 7 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर वीरेश लिंगम द्वारा। प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें, फ्रेंडों तक ज़रूर पहुँचाएँ। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किस किन के प्रयासों से हुई। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 3, 1909 जमशेद जी टाटा। क्वेश्चन नंबर 9, प्लीज हाँ ये आरएस का ही पेपर है, आप सभी फ्रेंडों के साथ इसे शेयर कर सकते हो, बहुत ही शानदार और क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। तो इसका आंसर हो जाएगा रमादेवी, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर चुनिए। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये सूची वाले क्वेश्चन वर्तमान में बहुत काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, यहाँ पर ही एग्ज़ाम में तो बहुत तरह की आपको टेंशन होती है, हमें भी टेंशन होती थी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चनों को यहीं इसी टाइम इसी समय क्लियर करने की कोशिश करें। तो सूची 1 में लिख रखा है तीर्थंकर और सूची 2 में लिख रहा है उनके संज्ञान। तो ए में पार्श्वनाथ, 2 बी में लिख रखा है आदिनाथ महावीर और सी में लिख रखा है शांतिनाथ। इस तरह आप इनका मिलान करेंगे। 10 में पार्श्वनाथ का संबंध है, तो पार्श्वनाथ थे सर्प, आदिनाथ है वृक्षभ, महावीर है सिंह और शांतिनाथ है हिरण। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 10 का 4। क्वेश्चन नंबर 11, जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धस गया था और उसने उनकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई, उस मंदिर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर, तीजा मांझी का मंदिर। कौन सा मंदिर? तीजा मांझी का मंदिर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र अक्षय नाम से अंकित मूर्ति किस नाम से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर, परखम। क्वेश्चन नंबर 13, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कलकत्ता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयासों में गोली खाई, यह घटना किस स्थान की है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर, गोहपुर। 4 नंबर जिसमें लिख रखा है गोहपुर। क्वेश्चन नंबर 14,
निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। प्लीज़ नहीं वाले क्वेश्चन भी आपको हर कॉम्पिटिशन एग्जाम हर पेपर में कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको देख जाते हैं, इससे ज़्यादा भी देखने को मिलते हैं। इसलिए प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है नहीं वाले क्वेश्चनों को भी ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या पूछ रहा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 पुस्तकें और लेखक दे रखे हैं इसमें तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा एक नंबर एम ए, तो ये सुमेलित नहीं है और ये तीनों सुमेलित है जैसे नेह तरंग सवाई प्रताप सिंह, तो ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बी में नख लिख रखा है नागदमन, तो नागदमन है सयाजी झूलजा सॉरी झूला इसकी है, और सी रणमल छंद श्रीधर व्यास की है, सही है। भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह की है, तो ये सही है। तो ये इन क्वेश्चनों का फ़ायदा यह है कि इनमें आपको ये तीन पुस्तकों के नाम तो आपको याद कर लेना चाहिए और हो सके तो इसका भी, तो तीन सही है, तो ए गलत है। तो इसमें ए लिख रखा है एक नंबर पे, तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 सूची एक सूची दो को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। सूची ए क्वेश्चन नंबर 15 का 4 व्रीही का संबंध है चावल, सही है। बी में लिख रखा है मुदग का संबंध है मूंग, यव का संबंध है जौ, और इक्षु का संबंध है गन्ना। इस तरह आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 4 में लिख रखा है ए में 2 बी में 3 सी में 4 और डी में 1। क्वेश्चन नंबर 16 बयाना दुर्ग स्थित वरिष्ठ विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है। तो इसको क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर गुप्तकाल। क्वेश्चन नंबर 17 आहाड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर आपको 4 कथन दे रखे हैं, इन पर विचार करना है कौन कौन से, तो आप सही विकल्प का चयन करना होगा इसके साथ। तो आहाड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बी ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन सी धातु का काम आहाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। डी यहाँ से काले तथा लाल रंग मर्दभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी हुई है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें 17 का आंसर आ जाएगा एक नंबर ए सी डी सही है, बी गलत है। इसमें तो आदिवासियों का चावल से परिचित थे, हाँ तो इसका नहीं थे, तो इसमें आंसर बी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर ए सी और डी सही है, और तीनों सही है, बी गलत है इसमें। तो आंसर हो जाएगा एक नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 सेंट्रल केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहां और कब की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का आंसर हो जाएगा दो नंबर क्राईकुड़ी 1953। क्वेश्चन नंबर 19 कोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आभूषण से संबंधित राजस्थान की कल्चर का ये क्वेश्चन है। प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आगामी परीक्षाओं में, होने वाली है आरएस की परीक्षा 1 अक्टूबर को।
तो आपको राजस्थान की कल्चर से संबंधित ऐसे आभूषणों से, वस्त्रों से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 4-5। तो आप प्लीज़ इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से देखें, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, कान टोटी आभूषण पहना जाता है कान में। क्वेश्चन नंबर 20, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, नागरोण का युद्ध, गागरण का युद्ध हुआ था 1519। सरंगपुर का युद्ध हुआ था 1437। सुमेल का युद्ध 1544। और साहेबा का युद्ध 1541-42। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 10 का 2 नंबर, ए में 1, बी में 3, सी में 2, डी में 4। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापा खाना स्थापित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, अजमेर। क्वेश्चन नंबर 22, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। लोकवादी यंत्र लिख रखा है सूची 1 में और सूची 2 में लिख रखा है प्रख्यात कलाकार। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देखेंगे कि बपंग बनाता है, तो बपंग किसका है? जहूर खां। नड किसका है? करना भील। अलगोजा रामनाथ चौधरी। खड़ताल है सदीक खा। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 22 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, जिसमें लिख रखा है 1 में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, विजयनगर के शासक कृष्ण देवराय ने अमुक्ता मालयद ग्रंथ की रचना की। कथन दो, कृष्ण देवराय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। कथन 3, उनके दरबार को अलसानी पेंडना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। इस तरह देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, कथन ए और 2 दोनों सही है। ए और 2 दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर, भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी तो बीकानेर में है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25, समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, भरतपुर 1849। 25 का आंसर है 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर, H.L. दत्तू, T.S. ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर। तो इस तरह आंसर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27
राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधान सभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा दो नंबर, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधित नियमों के अनुसार निम्नांकित में से कौन से विभाग के प्राकलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा दो नंबर, गृह विभाग। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान लोकसभा आयोग अपने कार्य का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा तीन नंबर, राज्यपाल के समक्ष। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा तीन नंबर, 8, अधिकतम कितने 8, तो इसका आंसर हो जाएगा तीन नंबर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा चार नंबर, अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष की गई थी। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा तीन नंबर, 2009। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्री में से कौन लोक सभा के सदस्य नहीं रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा चार नंबर, केवल ए बी और डी तो नहीं रहे हैं, तो ये तीनों नहीं रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, सॉरी चार नंबर, ए बी डी, टीकाराम पालीवाल तो है मुख्यमंत्री में को लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, तो लोकसभा तक नहीं पहुँचे, तो ये तीनों नहीं पहुँचे, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, बरकतुल्ला खान तो नहीं है, तो ये केवल ए बी और डी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा दो नंबर, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्त को प्रतिस्थापित किया गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा 89। दो नंबर। क्वेश्चन नंबर 36, कथन ए, नियंत्रक ए मालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल वह की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। कारण आर, उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा दो नंबर, ए और आर दोनों सही है, ए आर ए की सही व्याख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दो नंबर। क्वेश्चन नंबर 37, सूची एक और सूची दो को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट
में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची वन में से विधानसभा समिति लिख रखा है और सूची दो में अध्यक्ष लिख रखा है, तो इन दोनों को आपको मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 37 में कुछ खामियां हो गई है प्लीज़, तो इसे डिलीट समझे मेरी तरफ से, इसमें कुछ गलतियां हैं, तो आप अगर देखना चाहते हो तो सही सही देख लीजिएगा। इसका आंसर मैं नहीं बता सकता, प्लीज़ डिलीट कर दीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान में लोक आयुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 38, इसे भी प्लीज़ कुछ खामियां हो गई है, गलती हो गई इसमें, तो इसके भी डिलीट ही कर दीजिएगा। डिलीट मेरी तरफ से भी डिलीट, आपकी तरफ से भी डिलीट। हाँ, आप देखना चाहें तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन भाई कहाँ पर गलती हुई है, क्या है इसमें, तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निरर्थताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नांकित में से किसकी राय लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 41, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 2, मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों एवं परामर्श शुल्क का वह पैकेज की राशि में सम्मिलित है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का 2। क्वेश्चन नंबर 42, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ। 2, इसका एक सचिव होता है और जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा केवल दो सही है। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल में घोषित उड़ान योजना की गलत विशेषता चिन्हित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 43 को प्लीज़, इसमें भी कुछ गलतियाँ हो गई है, खामियाँ रह गई हैं, प्लीज़ इसको भी डिलीट ही समझे मेरी तरफ से, आप देखना चाहो तो देख सकते हो, तो इसे डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मुकदमा संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा 4, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये वापस रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 अक्टूबर 1956 को। 2। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में कौन सा राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं। तो 47 का आंसर हो जाएगा 3, जस्टिस फारूक हसन। क्वेश्चन नंबर 48
भारत के संविधान में वर्णित नीति निदेशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। 48 का आंसर हो जाएगा। 4 नंबर, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 41। ओहो नहीं, सॉरी, आंसर 4 नंबर हो जाएगा, इसमें मैंने थोड़ा गलत बोल दिया है। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, अनुच्छेद 39। क्वेश्चन नंबर 49, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर, पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, अनुच्छेद 39 ये कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, जिसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिसके लिए राष्ट्रीय हित की सर्वोपरि है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 50, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, समाज की महिला एवं कमजोर तबकों यानी वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 51, आप देखेंगे कि ये आरएस का पेपर था जिसमें 150 के क्वेश्चन आते हैं और उनका सॉल्यूशन कर लिया है। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू फ्रेंड्स।